नसीराबाद में फ्रामची चौक स्थित जीडी टावर में भाजपा अजमेर जिला देहात कार्य समिति की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक के मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने दीप प्रज्वलित कर बैठक का उद्घाटन किया। इससे पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का नसीराबाद पहुंचने पर शहीद स्मारक चौराहे पर भाजपा मंडल, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा व युवा मोर्चा सहित पदाधिकारियों ने प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का स्वागत किया। उसके पश्चात ढोल के साथ जुलूस के रूप में फ्रामची चौक स्थित जीडी टावर लाया गया। इस मौके पर सतीश पूनिया ने अपने संबोधन में कहा कि भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता कोरोना काल में परिश्रम के साथ आम जन की सेवा में जुड़ा रहा। इस तक एक व्यवस्थित संगठन रचना का राजनीतिक दल है और हम एक बराबर समय पर पार्टी की विभिन्न बैठकों का आयोजन करते हैं। आज इसी सिलसिले में अजमेर की बैठक है जिसमें पार्टी की हम एक लेखा जोखा करेंगे, संगठन का नीचे तक किस तरीके से विस्तार हुआ, कार्यक्रम आगामी किस तरीके से होंगे और इसके साथ साथ जो जनोन्मुखी कार्यक्रम है, जनता के मिजाज के जो कार्यक्रम है, आंदोलन से लेकर तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी, प्रदेश की राजनीतिक और जिले की हालात पर एक राजनीतिक प्रस्ताव भी होगा। तो कुल मिलाकर ये बैठक समग्रता लिए हुए और इस आधार पर हम लोग अपने संगठन को और ज्यादा जीवंत और मजबूत करने की कवायद कर रहे हैं। खबर की हो सत्यता हो या खबर की अनकहीं दास्तां, होगी सच्चाई की वापसी। SKV न्यूज़, सच्चाई की वापसी।